आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप किसी की भी कॉल डिटेल निकाल सकते हो। आप बहुत ही आसानी से किसी की भी कॉल डिटेल निकाल सकते हो। आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर किसी की भी कॉल हिस्ट्री निकालने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा, जिसकी मदद से आप अपने गर्लफ्रेंड के मोबाइल पे आप नजर रख सकते हो। अगर दोस्तों आप भी जानना चाहते हो इस ट्रिक के बारे में कैसे यूज करते हैं, वो ट्रिक कौन सी है, तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। दोस्तों मेरा नाम महेंद्र, आप देख रहे हो टेक महेंद्र यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो दोस्तों बिना बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों किसी की भी कॉल डिटेल निकालने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। यहाँ पर दोस्तों मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड होने के बाद में यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे लिखा हो क्लिक टू कंटिन्यू, इस पर आपको क्लिक कर लेना। यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया है। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, बट दोस्तों यहाँ पर लिखा हो जनरल कॉल लॉग, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक होने के बाद में यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से दोस्तों बहुत ही आसानी से आप 1 साल की आप कॉल डिटेल निकाल सकते हो। यहाँ से आप अपने हिसाब से आप कितने दिनों की आप कॉल डिटेल निकालना चाहते हो यहाँ पे आप सेटअप कर लीजिए। सेटअप होने के बाद में यहाँ पर आप कौन सी कॉल डिटेल निकालना चाहते हो उस पर आप क्लिक कर लीजिए। कॉल लॉग, ओनली डायल, ओनली रिसीव, ओनली मिस, दो आप कौन सी निकालना चाहते हो उस पर आप क्लिक करके बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। मैं यहाँ पर कॉल लॉग डिटेल पे रहने देता हूँ और यहाँ पे लिखा हो एंटर आउटपुट फाइल नेम, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ से दोस्तों आप फाइल नेम कुछ भी आप टाइप कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों मैंने मेरा नाम टाइप कर लिया। महेंद्र टाइप होने के बाद में यहाँ पे लिखा हो एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक होने के बाद में अलाउ पे क्लिक करके आप सारी परमिशन आप अलाउ कर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों मैंने सारी परमिशन अलाउ कर दीजिए, यहाँ पर देख लीजिए। प्लीज़ वेट, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों फाइल सक्सेसफुली हो चुकी है। दोस्तों सक्सेसफुली होने के बाद में आपको फाइल मैनेजर ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैंने फाइल मैनेजर ओपन कर लिया है। फाइल मैनेजर ओपन होने के बाद में आपको E2PDF वाला फोल्डर आपको ढूंढ लेना है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों फोल्डर यहाँ पर आ चुका है E2PDF, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों मेरे नेम की फाइल आ चुकी है, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों इस पर मैं क्लिक करके इसे आपको ओपन करके दिखा देता हूँ वास्तव में एप्लीकेशन काम करती है नहीं। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों बहुत सारी कॉल डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। ऐसे दोस्तों आप बहुत ही आसानी से आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर किसी की भी कॉल हिस्ट्री आप निकाल सकते हो, है ना दोस्तों। बहुत ही कमाल की और 10वीं एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन की मदद से आप किसी की भी आप कॉल डिटेल निकाल सकते हो। अब दोस्तों जान लेते हैं इस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको अपना मोबाइल का गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और गूगल प्ले स्टोर में आपको टाइप करना है E2PDF, लिख के आपको टाइप कर दिया। मैंने टाइप कर दिया, दोस्तों एप्लीकेशन आ चुकी है इसका आप लोगों देख लीजिए, जिसको मैंने पहले डाउनलोड कर लिया था। डाउनलोड होने के बाद में ऐसा आप इसे ओपन कर लीजिए। आशा करता हूं दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद है। अगर पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों आपको इसी प्रकार के वीडियो देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।